नमस्कार, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स EL-204 के प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ फुलवेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें एप्रेटस रिक्वायर्ड होंगे, CRO, रेक्टिफायर ट्रेनर किट और कनेक्टिंग वायर्स। तो ये होता है CRO, ये है हमारे रेक्टिफायर ट्रेनर किट और ये हैं कनेक्टिंग वायर्स। इसके लिए हम यूज में ले सकते हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं DSO है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये CRO और सेम थिंग है, ये बस थोड़ा इसका एडवांस वर्जन है। इसमें और बाकी फंक्शन थोड़े से एक्स्ट्रा हैं CRO के अलावा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट डायग्राम वो फुलवेव रेक्टिफायर। फुलवेव रेक्टिफायर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, दो डायोड होते हैं, डायोड D1 और डायोड D2, एक लोड रेजिस्टेंस RL होती है तथा सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को हमने सेंटर में टैप किया हुआ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें इस किट पर कनेक्शंस करने हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को डायोड D1 के एक सिरे से पी टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा डायोड D1 का पी टर्मिनल, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा डायोड D2 का पी टर्मिनल तथा दोनों डायोड के एन टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो डायोड D1 का एन टर्मिनल, डायोड D2 का एन टर्मिनल, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तथा ये दोनों सिरे लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इन दोनों सिरों को हमने लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से कनेक्ट कर दिया। लोड रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर में टैप किया हुआ होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर में टैप किया हुआ होता है तथा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट लेनी है। तो आउटपुट लेने के लिए लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ये किया, चैनल 2 पे हम आउटपुट देंगे, तो चैनल 2 की जो हमारी वो है उसे कनेक्ट कर दिया उसके एक सिरे को। तथा दूसरे सिरे को डायल जाके सहायता से कनेक्ट। इनपुट के लिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरे को चैनल 1 के जो हमारे BNC केबल है क्रोकोडाइल जाय के साथ उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे सर्किट कनेक्शंस पूरे हो गए हैं। तो मेंस को ऑन करते हैं। मेंस को ऑन किया, LED लाइट ऑन हो गई है, जो ये दिखाती है कि हमारा किट है जो वर्किंग में अब आ चुकी है। तो ये हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप चैनल 1 पे इनपुट दिखाई दे रही है जो कि फुल वेव AC साइकिल है, और तथा चैनल 2 की आउटपुट पर हमें रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट दिख रही है। पॉजिटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट मिल रही है हमें और नेगेटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट मिल रही है। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल होगी, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट 0 मिल रही थी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हमें नेगेटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट प्राप्त हो रही है। इस प्रकार फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी तथा एवरेज वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी और एवरेज वोल्टेज से जस्ट डबल हो जाती है। तो छात्रों, आज हमने फुल वेव रेक्टिफायर का अध्ययन किया प्रैक्टिकल का। इसी प्रकार आने वाले वीडियो में हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर का भी अध्ययन करेंगे। नमस्कार।